हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एलिफेंट एंड द डॉग, इंग्लिश क्लास फोर्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग यूज्ड टू गो इनटू द स्टेबल वेयर द किंग्स एलिफेंट लिव। एक समय की बात है, एक कुत्ता था और एक हाथी थी। यानी जो हाथी थी वो राजा की हाथी थी, और जो कुत्ता था वो क्या करता था, उस राजा के हाथी के पास वो हमेशा आया जाया करता था। और जो वो हाथी थी बेसिकली वो स्टेबल में रहती थी। स्टेबल का मतलब होता है कि अ बिल्डिंग फॉर अ एनिमल, यानी एक ऐसा घर जो कि एनिमल के लिए बनाया गया रहता है, ठीक है। ओवर अ टाइम यानी समय बीतते गए, दे बिकम ग्रेट फ्रेंड एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर। यानी समय बीतते गए, अब इसके बाद से जो डॉग था वो हमेशा हाथी के साथ खेलता रहता था, तो इसके वजह से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और हर एक चीज वो साथ साथ में करते हैं। वन डे अ फार्मर सॉ द डॉग एंड सेड टू द एलिफेंट कीपर। एक दिन क्या हुआ, एक किसान, ठीक है, उस कुत्ते को देखता है और वो एक एलिफेंट कीपर से कहता है। एलिफेंट कीपर का मतलब होता है महावत, या जो क्या करते हैं एलिफेंट को हैंडल करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं एलिफेंट कीपर। तो जो एक दिन क्या होता है, फार्मर रहता है, ठीक है, वह उस कुत्ते को देखता है और वह एलिफेंट कीपर से कहता है, आई वॉन्ट टू बाई दैट डॉग, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर हिम। इसके पास वह एलिफेंट कीपर से कहता है कि मुझे उस कुत्ते को खरीदना है, आप कितने में उस कुत्ते को बेचोगे। इसके बाद से ये जो एलिफेंट कीपर है वो जवाब देता है, आई डोंट केयर मच फॉर द डॉग, यू कैन जस्ट टेक हिम अवे। यानी वो कहता है कि मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, आप क्या कर सकते हो, उस कुत्ते को वैसे फ्री में ले जा सकते हो। द किंग्स एलिफेंट मिस्ड द डॉग। इसके बाद से वो क्या करता है, ये फार्मर उस कुत्ते को लेकर अपने घर चला जाता है। द किंग्स एलिफेंट मिस्ड द डॉग। अब इसके बाद से जैसे ही वो डॉग चला जाता है उस फार्मर के साथ, तो जो एलिफेंट रहती है वो क्या करती है, काफ़ी मिस करती है, ठीक है, किसको, डॉग को, क्योंकि वो क्या था, दोस्त था एलिफेंट का। अब आगे क्या होता है, द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट और बॉथ इट्स बीन डेज। अब कई दिनों तक जब उसका दोस्त डॉग अलग हो गया था, तो जो ये हाथी थी, ठीक है, एलिफेंट था बेसिकली, वो कुछ भी ना ही खा रहा था और ना ही स्नान यानी बाथ कर रहा था। अब आगे क्या होता है, एट द किंग्स कोर्ट। अब ये जो बातें होती हैं वो राजा के दरबार तक पहुंच जाती है। द किंग वॉज इन्फॉर्म अबाउट द एलिफेंट कंडीशंस। अब इसके बाद से राजा को बताया जाता है कि हाथी जो है वो ना ही खाना खा रही है और ना ही नहा रही है, ठीक है। ही सेंट फॉर हिज चीफ मिनिस्टर टू फाइंड आउट व्हाट वॉज रॉन्ग। इसके बाद से जो राजा होता है वो क्या करता है, वो अपने एक चीफ मिनिस्टर को सेंड करता है उस हाथी को, हाथी के बारे में पता लगाने के लिए, एक्चुअली में जो हाथी है वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर में वो खाना वगैरह क्यों नहीं खा रही है। अब क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर वेंट टू द स्टेबल एंड लुक द एलिफेंट ऑल ओवर। अब क्या करता है, जो मंत्री रहता है राजा का, वो हाथी के पास जाता है और हाथी को चारों तरफ से देखता है, ठीक है। अब देखने के बाद, जांचने के बाद क्या होता है, वह कहता है, मिनिस्टर नथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विथ हिम बट ही लुक सो सैड, ही हैज ही लॉस्ट अ प्लेमेट। यानी जो मंत्री रहता है वह कहता है कि इस हाथी को अगर हम लोग मैं देखूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो हाथी है काफ़ी दुखी दिख रही है, क्या ये हाथी अपने साथी को खो दी है। प्लेमेट का मतलब होता है जो साथ में खेलते हैं सब, ठीक है। इसके बाद से ये जो, ठीक है, कहता है एलिफेंट कीपर, यस देयर वॉज अ डॉग हु एट एंड स्लेप्ट विद हिम। अब इसके बाद से एलिफेंट कीपर कहता है, हाँ एक कुत्ता था जो इस हाथी के साथ हमेशा रहता था, खेलता था, इट वेंट अवे 3 days ago, और ये जो कुत्ता है सिर्फ 3 दिन पहले ही यहाँ से गया है। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, मुझे नहीं पता है कि वो जो कुत्ता है कहाँ चला गया है। आगे क्या होता है, कहता है वेरी वेल, सेंट वर्ड ऑल ओवर द कंट्री आस्किंग द मैन हु बॉट द डॉग टू सेट हिम लूज। अब इसके बाद से राजा ऐलान करता है कि चारों पूरे मतलब दुनिया में क्या कर दो, वर्ड ऑल ओवर, सेंड वर्ड ऑल ओवर मतलब होगा कि चारों तरफ क्या कर दो, संदेश भिजवा दो या सबको बता दो, ठीक है। द मैन हु बॉट द डॉग, जिसने भी उस कुत्ते को खरीदा है, सेट हिम लूज, उसको वो छोड़ दे। आई विल पे हिम बैक एज मच
एज ही पेड, ठीक है, जितना पैसा वो उस कुत्ते को खरीदा है जितने पैसे मैं उसको उतने पैसा दे दूंगा, लेकिन उसको उस कुत्ते को छोड़ना पड़ेगा। अब क्या होता है आगे, द एलिफेंट इज नॉट सिक बट ही इज लोनली विदाउट हिज फ्रेंड द डॉग। जो एलिफेंट है वो क्या था, बीमार नहीं था, वो क्या था, वो अपने फ्रेंड के बिना क्या था, अकेला था, ठीक है। अ फार्मर टूक हिम अवे एंड नो वन नोज वेयर द फार्मर लिव्स, यानी एक किसान था जो उस कुत्ते को ले गया था अपने साथ, लेकिन कोई भी किसान के बारे में नहीं जानता था कि आखिर में वो किसान का घर कहाँ पर है और वो जो किसान है या फार्मर है वो कहाँ पर रहता है। इसके बाद से क्या होता है, वेन द फार्मर हियर दिस ही टर्न द डॉग लूज इमीडिएटली। जैसे ही ये बात, ठीक है, किसान सुनता है कि राजा ने चारों तरफ संदेश भेजवा दिया कि किसी के पास ये जो कुत्ता हो उसको छोड़ दिया जाए, जैसे ही ये फार्मर सुनता है राजा के संदेश को, वो क्या करता है, ही टर्न द डॉग लूज इमीडिएटली, वो क्या करता है, उस कुत्ते को तुरंत छोड़ देता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होता है, द डॉग रन बैक एज फास्ट एज ही कूड, यानी जो कुत्ता था जैसे ही वो छूटता है वो इतना तेज भागता है जितना तेज वो भाग सकता है, ठीक है। एट द रॉयल स्टेबल, यानी एक रॉयल स्टेबल में, ठीक है, द एलिफेंट वॉज सो ग्लैड टू सी द डॉग दैट ही पिक द डॉग अप एंड पुट हिम ऑन हिज हेड। रॉयल स्टेबल का मतलब होता है जहाँ पर, ठीक है, उसका हाथी का घर था या हाथी जहाँ पे रहती थी वहाँ पे क्या होता है, दौड़ते हुए वो जो कुत्ता होता है वो जाता है, और जैसे ही वो कुत्ता हाथी को देखता है, ठीक है, वो काफ़ी खुश होता है, और जैसे ही खुश होता है जो हाथी होती है वो भी खुश हो जाती है और उस कुत्ते को क्या करती है, अपने सूंड से उठाकर अपने पीठ पर या अपने सर पर बिठा लेती है। अब ये दोनों अब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। अब ये जो दोनों दोस्त थे अब बेसिकली अब साथ में मिल चुके थे। अब यहाँ पे आता है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हाउ डिड द एलिफेंट एंड डॉग बिकम फ्रेंड्स, यानी जो एलिफेंट है और जो डॉग है वो किस तरह से दोस्त हुए हैं। तो मैं बता दूँ, जो एलिफेंट है, ठीक है, और डॉग है, डॉग क्या करता था, पहले शुरू शुरू में वो क्या करता था, उस स्टेबल के तरफ जाता था जहाँ पर हाथी रहती थी, और वो आते जाते कुछ समय बाद क्या होते हैं, एक गहरी दोस्ती हो जाती है उनमें और दोस्त बन जाते हैं। आई डोंट केयर मच फॉर द डॉग हु सेज दिस, यानी मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, कौन कहता है, द एलिफेंट कीपर सेज दिस, कौन कहता है, एलिफेंट कीपर कहता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एलिफेंट स्टॉप ईटिंग, वाज ही इल, यानी जो एलिफेंट है क्या वो उसको उसकी तबीयत खराब था, उसने वो मतलब ताकि वो क्या कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, कि जो एलिफेंट है, ठीक है, उसने खाना क्यों बंद कर दिया था, क्या उसका जो तबीयत खराब था, तो इसका आंसर है नो, ही वॉज सैड, या ही वॉज मिस्ड हिज एलिफेंट मिस्ड हिज डॉग, ठीक है, उसने क्या किया था, डॉग को मिस कर रहा था, ठीक है, इसलिए वो सैड था और इसलिए वो खाना नहीं खा रहा था। क्वेश्चन फोर है, व्हाट डिड द किंग आस्क चीफ मिनिस्टर टू डू, यानी जो चीफ राजा था वो चीफ मिनिस्टर को क्या कहता है, तो राजा जो है वो चीफ मिनिस्टर को कहता है कि तुम जाओ और हाथी के कंडीशन के बारे में, यानी एलिफेंट के कंडीशन के बारे में पता लगाओ कि आखिर में जो हाथी है एलिफेंट है वो उसने खाना क्यों मना कर दिया है। फिफ्थ है, व्हाट डिड द एलिफेंट डू व्हेन ही सॉ द डॉग, यानी जो एलिफेंट है उसने क्या किया जब उसने उस डॉग या कुत्ते को देखा, तो एलिफेंट ने क्या किया जब उसने उस डॉग को देखा तो सब काफ़ी खुश हो गए और एलिफेंट क्या करती है वो अपने सर पर उसको बिठा लेती है उस डॉग को, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला में क्या होगा, द एलिफेंट इज नॉट सिक बट इज लॉनली, जो एलिफेंट है वो बीमार नहीं था, वो क्या था, अकेलापन था। तो फर्स्ट में आपको लॉनली भरना है, फ्रेंड द डॉग, यानी किसके बिना, डॉग के बिना। द चीफ मिनिस्टर वेंट टू द स्टेबल एंड लुक द एलिफेंट ऑल ओवर, ठीक है, बी में चीफ मिनिस्टर भरेंगे हम लोग एंड यहाँ पे एलिफेंट भरेंगे। आई पे हिम बैक एज मच एज ही पेड, ठीक है, यहाँ पे भरेंगे। और सेवंथ का जो सही है वो है, द डॉग वॉज अलाउड टू गो, यानी वॉट डज द फ्रेज टर्न द डॉग लूज, टर्न द डॉग लूज का मतलब क्या है, द डॉग वॉज अलाउड टू गो, मतलब कि कुत्ते को छोड़ देना, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, अगर अच्छा भी लगा थोड़ा सा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।